हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फिफ्थ, और आज मैं आपको यूनिट फिफ्थ का एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इस यूनिट फिफ्थ के अंदर है क्या, हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें इसको पढ़ने से क्या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी। तो जब मैं फिफ्थ यूनिट का नाम लूँ तो फिफ्थ यूनिट का नाम कैसा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, मतलब कि आपको दो पर्टिकुलर टॉपिक को मिला के इस फिफ्थ यूनिट को आपको पढ़ना है। पहला तो क्या कि आपको लेटरल अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ना है और दूसरा आपको रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ना है। हालांकि रिटेनिंग वॉल की डिजाइन आपने आरसीसी 2 के अंदर पढ़ी हुई है, बट यहाँ पे रिटेनिंग वॉल की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जाननी है, आपको टाइप और उसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले यूनिट को स्टार्ट करते हुए हमें ये समझना होगा कि अर्थ प्रेशर होता क्या है, और अर्थ प्रेशर अगर हमने जान लिया तो उस अर्थ प्रेशर के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स अगर हमने जान लिया तो अब उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितनी थ्योरीज हैं, जैसे कि हमें रेनकाइंस की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कूलम्स की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कूलमंस के कुछ कंस्ट्रक्शन मेथड हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है रेनकाइंस की थ्योरी। रेनकाइंस की थ्योरी को लेके आप अर्थ प्रेशर को फाइंड आउट करोगे कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, एक्टिव केस के लिए, पैसिव केस के लिए, अर्थ एट रेस्ट के लिए। वहां पे आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बात करोगे कूलम्स वेज थ्योरी की। वहां पे भी आपको एजम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कूलम बेस्ड थ्योरी को पढ़ते समय। कोहेसिव सॉइल के लिए कूलम का क्या थ्योरी है, कोहेजनलेस के लिए क्या है, फिर कूलमंस ने क्या कंस्ट्रक्शन मेथड बताया एक्टिव केस के लिए, और अगर यूनिफॉर्म सरचार्ज आ गया, लाइन लोड आ गया, तो वहां पे कैसी चीजें बदलेंगी। तो ये चीजें आप पढ़ोगे किसके अंदर, अर्थ प्रेशर की, जब आप स्टडी कर रहे होगे। उसके बाद जब आप रिटेनिंग वॉल की बात करोगे तो रिटेनिंग वॉल के टाइम पे आपको रिटेनिंग वॉल होती क्या है, कितने टाइप की होती है, किस तरीके से आप एक रिटेनिंग वॉल की स्टेबिलिटी को चेक करते हो वो पढ़ोगे। और अगर वो सब पढ़ लिया तो जो आप बैकफिल रिटेन करा रहे हो उस बैकफिल के अंदर आपको ड्रेनेज देना है या नहीं देना है, क्यों देना है, क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं दोगे वो पढ़ोगे। फिर उसके बाद रेनफोर्स्ड अर्थ पढ़ोगे, और उसके बाद आप रेनफोर्स्ड अर्थ रिटेनिंग वॉल भी पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपकी यूनिट फिफ्थ कंप्लीट होती है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में अर्थ प्रेशर होता क्या है और अर्थ प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आई होप मैंने आपको जो एक इंट्रोडक्शन दिया है उससे आपका एक बैकग्राउंड सेट हो गया होगा, आप प्रिपेयर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।